मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते रहे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह सुबह उठकर क्या काम करना चाहिए जिससे हमेशा घर में सुख शांति रहे, घर में कभी भी गरीबी ना आए, घर में कभी भी दरिद्रता ना आए। सुबह सुबह के कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने से हमारे पास हमेशा सुख शांति बनी रहती है, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। प्रिय साथियों, सुबह जल्दी उठने की आदत आपको जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जातक को, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बच्चे को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्योदय से पहले जो उठता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो सूर्योदय से पहले उठता है ऐसा जातक अपने हर काम में सफलता प्राप्त करता है। तो आज मैं को बताने वाला हूं कि सुबह सुबह उठकर क्या काम करना चाहिए जिससे कभी भी गरीबी नहीं आती। एपिसोड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अभी तक ज्योतिष मिराकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शंकर भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सुबह सुबह उठकर क्या काम कर लेना चाहिए जिससे कभी भी गरीबी नहीं आती। अक्सर हमारे पास ऐसे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे पास धन नहीं टिकता या हमारे पास पैसे की बहुत कमी रहती है, मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी पैसा हमारे पास नहीं बचता, या हमारे घर में दरिद्रता बहुत ज़्यादा रहती है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर की सारी नेगेटिविटी, घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी ही मेहनत से हम आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं। आपका कर्तव्य होता है कि सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से उन उपायों को करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य पूर्ण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो वह केवल एक ही चीज द्वारा पूरी हो सकती है, वह है आपका विश्वास। बिना विश्वास के कुछ नहीं है। विश्वास करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही उपाय है। अगर आप विश्वास से उपाय करते हैं तो आपका उपाय 100% सफल होगा। अगर आप द्विधा मन से, अगर आप डाउट रख के उपाय करते हैं, आपका कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। ऐसा ही उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम करेगा अगर आपने इस उपाय को सच्चे मन से कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, यह उपाय आपके घर में धन धान्य को बढ़ा देगा, आपके घर की बरकत को बढ़ा देगा, घर में सुख शांति आएगी, घर की नेगेटिविटी दूर होगी, हर प्रकार से आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपको कभी कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं होगा, भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर सुबह आपने यह कार्य करना है और अपना एक डेली रूटीन, अपनी एक आदत बना लेनी है। करना क्या है, सुबह सुबह जब भी आपने उठना है, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले आपने तुलसी माता में जल जरूर अर्पण करना है। जी हाँ, हर सुबह उठ करके आपने थोड़ा जल लेकर के किसी पात्र में ले सकते हैं, शुद्ध ताज़ा जल लेकर के तुलसी माता में आपने वह जल अर्पण करना है और वहाँ पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माते, मेरे जीवन के तमाम कष्ट, मेरे जीवन की तमाम परेशानियाँ, धन से रिलेटेड है, अगर व्यापार से रिलेटेड है, कारोबार से रिलेटेड है, अन्य किसी काम से, कोई भी रिलेटेड आपकी कोई दिक्कत है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि हे माते, मेरे जीवन की परेशानियों को आप दूर करो, मेरे जीवन के कष्टों को आप दूर करो, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखो। यह कार्य आपने हर सुबह करना है, तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। उम्मीद रखिए, अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करते जाते हैं कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा और बहुत कम समय में आपको इस उपाय के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मन टिकाना है, विश्वास रखना है, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। बेहद ही सरल उपाय है लेकिन जो रिजल्ट है बेहद अचूक है। आशा करता हूं जानकारी पसंद आएगी। एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।